खेसारी लाल यादव को हो गई है भयंकर बीमारी, जी हाँ, जिसका इलाज संभव नहीं है। अगर आपको हमारी बात झूठ लग रही है तो आप ये हमारा पूरा वीडियो देखिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को भूलने की बीमारी हो गई है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने सफलता का क्या स्वाद चखा। अपने को-स्टार, अपने डायरेक्टर और अपने संघर्ष के दिनों में उनके साथ रहने वाले उन को-स्टार्स को भूल गए हैं, जिनके वजह से आज खेसारी लाल यादव हुए हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं इसका इलाज संभव नहीं है क्योंकि खेसारी को तो कुछ याद ही नहीं रहता। हाल ही में किसी ने उनसे आकांक्षा अवस्थी के बारे में पूछा तो खेसारी झट से कह उठे, कौन आकांक्षा अवस्थी? अब भाई उनके याददाश्त को हो क्या गया है? ये वही आकांक्षा अवस्थी है जो दबंग सरकार में उनकी हीरोइन है और लगातार 4 से 5 महीने उनके साथ शूट करने के बाद कि खेसारी लाल यादव को अचानक किसी ने पूछा कि आकांक्षा अवस्थी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। झट से खेसारी लाल यादव ने जवाब दिया कि ये आकांक्षा अवस्थी है कौन, मैं किसी आकांक्षा अवस्थी को नहीं जानता। इस पर वहां खड़े सभी लोग अवाक रह गए क्योंकि आकांक्षा अवस्थी तो उनकी फिल्म दबंग सरकार की मेन लीड हीरोइन है और खेसारी उन्हें कैसे भूल सकते हैं। लेकिन आपको ये हम पहला नहीं, और भी कई ऐसे उदाहरण बताएंगे जहां आपको लगेगा कि सही में खेसारी भुलक्कड़ हो गए हैं, या फिर गजनी वाले आमिर खान जिसे थोड़े ही वक्त के लिए कुछ लोग याद रहते हैं। बीते दिनों खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म की हीरोइन स्मृति सिन्हा वास्तवा का बर्थडे था। उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी दिग्गजों ने जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन सिवाय खेसारी को छोड़। ये वही स्मृति सिन्हा वास्तवा हैं जिनके साथ खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म साजन चले ससुराल आई थी और इसी फिल्म ने खेसारी लाल यादव को रातों रात स्टार बना दिया। इसके अलावा भी इन दोनों की जोड़ी काफी फिल्मों में साथ नजर आ चुकी है और कई स्टेज शो भी कर चुकी है और अभी हाल ही में बलम जी आई लव यू में भी इन दोनों की जोड़ी दर्शकों के सामने होगी। ये बात और है कि उस फिल्म में स्मृति सिन्हा का गेस्ट अपेयरेंस ही है। खेसारी ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें नाम याद नहीं रहते। हम चलिए मानते हैं खेसारी जी आपको नाम याद नहीं रहते, लेकिन अगर कोई बंदा आपके साथ सालों से जुड़ा है, अब आप अगर कहें कि वो इंसान आपको याद नहीं है तो ताज्जुब होता है। खैर, सफलता चीज ही ऐसी होती है जहां पहुंच के अच्छे अच्छों का दिमाग दुरुस्त नहीं रहता। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।